नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपने चैनल के माध्यम से भारत में पाए जाने वाले विभिन्न जातियों का इतिहास बताया, तो दोस्तों कभी न कभी आपके दिमाग में ये सवाल आता रहा होगा कि मैंने आखिर ये इतिहास बताना शुरू क्यों किया। दोस्तों, यदि आप देखें तो आज सोशल मीडिया, चाहे वो व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो, तो आप जाएंगे तो आपको ऐसे वीडियोस बहुत ज्यादा मिलेंगे जो बताते फिरते हैं कि हमारे देश में जातियों की वजह से विभाजन हुआ है, विखंडन हुआ है और हमारा राष्ट्र कमजोर हुआ है। जबकि दोस्तों, मैं बता दूं, ये हमारा इतिहास बहुत ही स्वर्णिम इतिहास है, जिस इतिहास को भुलाकर ही अन्य आक्रांताओं जो विदेशी थे वो आकर के इन्हीं जातियों का गलत मायने निकालकर हमारे देशवासियों को समझा करके हमको तोड़कर हम पर राज किया गया है। तो मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि यदि ये इतिहास इतना ज्यादा दर्द से भरा है, जहाँ पर इसके अपने ही भाई ने किसी छोटे या किसी अन्य भाई पर इतना अत्याचार किया है जिसको विदेशियों ने बताकर इसका फायदा उठाया है, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं रहा कि सही में हमारे बड़े भाई यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय या अन्य वर्ण के लोगों ने हमारे वैश्य या शूद्र लोगों पर अत्याचार किए हैं? ये सवाल बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि संडे को हम कमेंट बॉक्स से एक कमेंट उठाते हैं और उस कमेंट को मंडे वीडियो में लेकर आपके सामने आते हैं। तो मित्रों, एक रिक्वेस्ट जो लगातार पड़ी रही थी हमारे कमेंट बॉक्स में, जो तीन बार आई, वो रिक्वेस्ट थी सरगरा जाति की। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे राजा सगर के वंशजों के बारे में या सरगरा जाति के इतिहास के बारे में। इस वीडियो में हम उसका इंट्रोडक्शन पार्ट लेकर आए हैं और उसके आगे हम आपको उसके और डिटेल्स बताते चलेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, तो फिर आखिर जातियों का इतिहास बताने की जरूरत क्यों पड़ी, जब ये इतिहास काफी ज्यादा ऐसा है कि जिससे हमारे समाज में विखंडन शुरू होता है? तो मित्रों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इतिहास तब हमारे देशवासियों को पढ़ाया जाने लगा जब हमारे इतिहास जो तक्षशिला, नालंदा आदि लाइब्रेरी में इकट्ठा रखे हुए थे, उनको जला दिया गया। फिर आक्रांतों को तोड़ने मरोड़ने में बहुत आसानी हुई और उन्होंने हमारे राष्ट्र में, हमारे बीच में ही ऐसे दरार पैदा किए जो आज के समय में खाई बन गई है। तो दोस्तों, हमारे चैनल का माध्यम और सब चैनल का जो हमारा विचार है, जो हमारी भावना है, वो है अपने देशवासियों को इकट्ठा करके अपने देश को पूरे विश्व के सामने लाकर खड़ा करना और बताना कि हमारे जो प्राचीन ऐतिहासिक, हमारे जो पूर्वज रहे हैं, वो बहुत बड़े विज्ञानी रहे हैं। आज जो डिजिटल वर्ल्ड हम देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मूल रूप से हमारे एनालॉग विज्ञान से ही निकल कर आया है। तो दोस्तों, आज हम बिना समय वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं क्या है ऐसा ज्वलंत इतिहास जो सरगरा जाति के बारे में बताने वाला हूं मैं। तो दोस्तों, इस इतिहास को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये सरगरा जाति के लोग अग्निवंशी क्षत्रिय कहे जाते हैं और इनका जो प्रमाण है वो वेदों में भी मिलेगा और पुराणों में भी मिलेगा। मेरे मित्रों, ये सरगरा जाति के लोग राजा सगर के वंशज हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं कि राजा सगर की उत्पत्ति या सगर राजा का इतिहास कहां से शुरू होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इतिहास के उन पुराने पन्नों में और सबसे पहले देखेंगे कि राजा सगर के पूर्वज कौन थे। तो इस कड़ी में सबसे पहले जो सबसे पुराना नाम आएगा वो महाबली राजा, राजा बली का नाम आएगा। तो मित्रों, मैं बताता हूँ, महाबली राजा की जो राजधानी थी महाबलीपुर थी और ये बल के बहुत ही बड़े सेना नायक माने जाते थे। पृथ्वी पर उस समय बल की गाथा जब लिखी जाती थी तो उसमें महाबली का नाम जरूर आता था। मित्रों, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, यदि दान वीरों में सबसे पहला नाम या डोनेशन का नाम जब भी इस दुनिया में लिया जाएगा तो बली का नाम उसमें सबसे पहला आता है। राजा बली बहुत ही बड़े दानवीर राजाओं में से एक माने जाते थे। लेकिन मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि सृष्टि उत्पत्ति क्रम में ही हमारे पृथ्वी या हमारी सृष्टि या इस पूरी सृष्टि में तीन तत्व बहुत ही बेसिक थे जो सबसे पहले बने थे। उसमें वो तीन तत्व थे सत्व, रजस और तमस। तो दोस्तों, राजा बली राजसिक थे, यानी कि इनके अंदर राजकाज करने की क्षमता थी और तामसिक गुण में, तामसिक नक्षत्र में इनकी उत्पत्ति होने की वजह से इनको अग्निवंशी माना जाता था। तो दोस्तों, मैं और आगे चलता हूँ इस इतिहास में क्या हुआ। महाराजा बलि ने
एक बार तपस्या करने की बहुत अच्छी कोशिश और एक प्रतिज्ञा ठानी और उन्होंने उस तपस्या से इंद्रासन को स्वीकार इंद्रासन को जीत लेने की मंशा बनाई और यह मंशा इसलिए बनाई ताकि मनुष्यों को अच्छा जीवन अच्छी सुविधाएं और बहुत ही विशिष्टता दी जा सके। महाराज बलि को ऐसा करने के लिए बहुत ही कठोर तप करना पड़ेगा ऐसा उनको बृहस्पति जो देवों के गुरु थे उन्होंने बताया। इस बात को जानकर राजा बलि मान सिंह ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्होंने कहा कि मुझे एक व्यक्ति की जरूरत है, एक मानव की जरूरत है जिसको मैं अपने परीक्षणों के दौर से गुजारूंगा, अग्नि परीक्षणों से, और उसका जो कर्म किया जाएगा वो अग्नि कर्म किया जाएगा और उससे वो महान व्यक्तित्व पैदा करना चाहता हूँ। इस बात को जानकर मानसिंह ऋषि ने उनसे पूछा आप ऐसा क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ जो 3.25 महीने लगातार चलेगा और उस यज्ञ में मानव की आहुति हमें समर्पित करनी होगी और बाद में वो मानव जीवित ही निकलेगा और वो मानव नहीं फिर महामानव बन जाएगा। ये जानकर मानसिंह ऋषि ने उन्होंने अपने बेटे सर्वजीत को राजा बलि को देने की का निर्णय लिया। तो मित्रों राजा बलि के ऐसे निर्णय जिसमें वो अग्नि के साथ कुछ रिसर्च करना चाहते थे, कुछ खोज करना चाहते मानव को और सर्वशक्तिमान बनाने की कोशिश में, उन्होंने मानसिंह ऋषि से उनके एक बेटे सर्वजीत को लिया और 3.25 महीने के लिए उसे आग में डाल दिया गया। दोस्तों वो बहुत बड़े विज्ञानी थे, हमारे पूर्वज ऋषियों के वंशज थे, ऋषियों को सारी चीजें पता थी कि कैसे आग को कंट्रोल करना है, कैसे फायर प्रूफ चीजें कंट्रोल, वो केमिकल्स का यूज तो नहीं करते थे लेकिन अपने एनालॉग विज्ञान का इस्तेमाल करके भी पहले मानव पर रिसर्च किया जा चुका है। ये एक प्रमाण है जो लिखित प्रमाण है, सत्य सनातन का प्रमाण है। मित्रों आपको जातियों का इतिहास या धर्मों का इतिहास तो बहुत मिलेगा लेकिन जहां परीक्षणों की बात आएगी तो आपको गौरव महसूस करना चाहिए कि आप सत्य सनातन यानी कि सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं जिसमें परीक्षणों का लिखित प्रमाण मिलता है। तो दोस्तों 3.25 महीने आग में डालने के बाद जब सर्वजीत को बाहर निकाला गया जो मानसिंह ऋषि के बेटे थे तो उनका पालन पोषण उसके बाद वाल्मीकि ऋषि ने करना शुरू किया। क्योंकि दोस्तों आज आप देखते हैं कि जैसे कि हमने हॉस्पिटल्स देखे हैं तो सबसे पहले सीएससी पे केसेस, मान लिया कोई एक्सीडेंटल केस पहुंचता है तो सबसे पहले वहां उसका प्राथमिक उपचार किया जाता है फिर उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है। तो मित्रों राजा बलि को तो अग्निकर्म तो पूरा पता था लेकिन उसके आगे उसका कैसे पालन पोषण होना है ये ऋषि वाल्मीकि को पता था। तो इसलिए सर्वजीत को अग्नि में डालने के बाद ऋषि वाल्मीकि को दे दिया गया कि उसके आगे के जो क्रियाकर्म है जिससे उसको महान और स्ट्रांग बनाना है उसके लिए ऋषि वाल्मीकि ने उसका 7 साल तक निरंतर पालन पोषण किया और सर्वजीत बहुत ही बलवान, बहुत ही बलिष्ठ और बहुत ही अच्छा युवराज बनकर के सामने आया। दोस्तों 7 साल वाल्मीकि के आश्रम में रहने के बाद सर्वजीत अवंती के राजा सत्यवीर के पास पहुंचे और वहां उनकी बेटी मधुकुंवर से उन्होंने शादी कर ली। मित्रों इस विवाह के बाद ही सगर जात का इतिहास की शुरुआत होता है क्योंकि उसी सत्यवीर जिसको अग्नि में डाला गया था उसी सत्यजीत को के जब अवंती के राजा के साथ उनकी बेटी अवंती के राजा की बेटी के साथ उनका विवाह हो गया तो उनके 3 पुत्र पैदा हुए, उसमें से एक था सरगरा, दूसरा सेवक और तीसरा गांछा। दोस्तों वहीं से सरगरा जाति का इतिहास शुरू हो जाता है और क्योंकि आप जानते हैं कि YouTube के माध्यम से हम पूरा इतिहास एक वीडियो में नहीं बता सकते। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अवश्य लाइक करिएगा क्योंकि आपका एक लाइक हमारे आत्मविश्वास को बढ़ा देता है। मित्रों यहाँ से हुई सरगरा जाति की शुरुआत जिसे अग्निवंश भी कहा जाता है। अगले वीडियो में हम इसके और आगे के इतिहास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं आपका मित्र वैद्य शिव कुमार वत्स, नमस्कार।